सुनना, परीक्षा लेना उसका अधिकार है, परीक्षा लेना उसका अधिकार है, लेकिन क्या हम इतने पक्के प्रेमी नहीं कि परीक्षा में पास हो जाए, है ना। लेकिन आपको कहानी बताता हूं, जब परीक्षा लेगा तो जमीन खिसक सकती है, इतनी तगड़ी परीक्षा लेगा, लेकिन जब फल देगा तो परीक्षा से भी ऊपर देगा। लेकिन कैसे, एग्जांपल ले रहा हूं, अभी हमारे कुरुक्षेत्र का लगभग 4-5 महीने पहले एक प्रेमी i20 ले आया 10 लाख रुपए। क्या लाया? कार लाया 10 लाख रुपए की किस्तों पर, लोन पर। अब किसी वीआईपी को पकड़ा, बोला चला, वीआईपी को पकड़ा कि गाड़ी का माथा टिकवा कर लाना है खाटू शाम को, माथा टिकवा कर लाना है। अब गाड़ी ले गए, जैसे खाटू जी पहुंचे, बाहर मिठाई वाले से 2 डब्बे मिठाई के लिए, ऊपर चाबी रखी वीआईपी गेट से अंदर, लेकिन जो वीआईपी का गेट है उसकी ना लेंथ थोड़ी छोटी है, तो कोई भी जाता है माथा एकदम लग जाता है उसका। जैसे उन्हें एंट्री ली पता नहीं था, और सीधा गया और सीधा माथे में बजा, जो डंडा था वो माथे में बजा, तो बोला यार कुछ गड़बड़ हो रही है, घर पे आकर ऐसे चोट नहीं लग सकती, चला तैयार है, ऐसा कुछ नहीं है, खाटू का दरबार है, लगती रहती है। अब मिठाई के डब्बे लेकर अंदर चला गया, चाबी ऊपर रखी, पंडित जी को बोला कि पंडित जी माथा टिकवा दो। अब पंडित जी ने गाड़ी के ऊपर से चाबी उठाई, डब्बों में से चाबी उठाई और दरबार के अंदर, अब 5 मिनट प्रेमी खड़ा रहा, 5 मिनट बाद ललवा मिल गया, बोला पंडित जी चाबी तो दे दो। पंडित जी बोले बोले चाबी, बोला जो अभी कार की दी थी, बोला वो तो दान कर दी, वो तो दान कर दी, अब दान वाली चीज वापिस चाहिए तो अब प्रेमी खिसक गई ना जमीन। हमारे लिए तो हंसी की बात है, कोरोना के जमाने में खिसका गया उसको पता है, हमारे लिए तो कोरोना कुछ नहीं था। अब बाहर आया, बोला प्रेमी यार बाबे ने अच्छा नहीं किया, घर बस में जाना पड़ेगा। बोला ऐसा क्या हुआ? बोला गाड़ी तो बाबे ने रखी, पंडित जी ने दान कर दी, मैं तो पागल हो रहा हूँ, घर जाऊंगा तब छत्तर खाऊंगा, एक तो किश्तों पर गाड़ी, या तो अपने होते फिर भी बात, एक तो किश्तें भी भरनी और ऊपर से गाड़ी भी हाथ में नहीं। साथ वाला प्रेमी बोला ये खाटू का दरबार है, परीक्षा तो ले ली, कहीं ना कहीं फल देगा, कोई बात नहीं, बस में जाना, बस में चलेंगे, लेकिन जाने से पहले एक बार और माथा टेक कर चलेंगे। अब जैसे ही वीआईपी गेट से गए, फिर माथा टकराया, फिर सिर पे बजा, बोला अब और गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, पहले तो हो गई और नहीं होनी चाहिए। अब अंदर गया, बोला पंडित जी गाड़ी तो रख ली, प्रसाद तो दे दो। अब पंडित जी ने सोचा गाड़ी मोटी थी, प्रसाद भी मोटा होना चाहिए, तो दरबार के साइड में 2 काजू कतली के डब्बे पड़े थे 1 किलो के, दोनों उठाए और प्रेमी के हाथ में दे दिए। अब प्रेमी प्रसाद लेकर बाहर आया, साथ वाला बोला प्रसाद तो दे दे। अब जैसे ही प्रेमी ने प्रसाद का डब्बा खोला, डब्बा खोला तो वो हैरान हो गया, क्यों? क्योंकि उसमें पड़ा था 10 लाख रुपया। अभी बात खत्म नहीं होती, अभी दूसरा डब्बा खोला, सोचा प्रसाद होगा। अब जैसे ही डब्बा खोला फिर वीरान हो गया, क्योंकि उसमें भी पड़ा था 10 लाख रुपया। प्रेमी बोला कि बाबा सच बता रहा हूँ, तूने परीक्षा तो बहुत बढ़िया ली, लेकिन जब फल दिया तो एक गाड़ी की किस्तें तो चुका दी, साथ में एक नई गाड़ी भी खड़ी कर दिया। मेरी पल को का
मेरी पलकों का